नंबर्स की मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली केपीएमजी की जो रिपोर्ट आई विच आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीबॉडी दैट जो नंबर्स आए हैं नंबर्स आर वेरी गुड. द रीज़न आई टेल यू इज कि जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी उस साल 3600 ही गाड़ियां बिकी थी. 3600 बहुत कम नंबर है फोर व्हीलर्स. 60% मार्केट शेयर 2019-2020 की बात करूँ उसमें भी 60% मार्केट शेयर था टाटा नेक्सॉन का. फिर उसके बाद अगले साल गेस करो कितनी बिकी होंगी. आई थिंक इट वाज 116% हाइक प्रीवियस लास्ट. अगले साल एक्चुअली 3400 बिकी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. मतलब हाँ तो लॉकडाउन जैसे और नंबर कम हो गया. नंबर कम हो गया एंड लेकिन अब इस साल की जो 2021-22 की बात करें और 15,000-17,000 गाड़ियाँ बिकी हैं. तो आप प्रीवियस नंबर जो देखोगे 3,000-4,000 चल रहा था उससे काफ़ी सडन जंप आ रहा है. तो ये फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ. टू व्हीलर में नंबर अच्छा चल रहा है. टू व्हीलर में जब व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज आई थिंक 2018-19 में 75,000 टू व्हीलर्स बिके थे. 75,000 नेक्स्ट ईयर 1,50,000 नेक्स्ट ईयर फिर से 1,50,000 लॉकडाउन की वजह से स्टेबल हो गया. एंड देन इस साल की बात करें तो आई थिंक 3-5 लाख का टू व्हीलर्स क्या है. तो टू व्हीलर्स इज डेफिनेटली ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट. और इसमें भी ओला का भी काफ़ी अच्छा आता है. तो ओला ने बहुत सारे ऑर्डर्स उठाए हैं और एथर तो अच्छा कर ही रहा है. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनी बाउंस भी अब आपके पास टू व्हीलर्स लॉन्च किए. तो लॉट ऑफ स्टार्टअप्स लॉट ऑफ फंडिंग इज कमिंग इन एंड इन दिस मार्केट. थ्री व्हीलर्स की बात करूँ तो अगेन सेम यू नो 1,00,000 और आई थिंक फिर ड्रॉप हुआ था लॉकडाउन में. और उसके बाद इस साल द प्रोजेक्टेड नंबर इज 1.7 लाख. ठीक है तो टोटल नंबर हमारा सही चल रहा है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट. इट्स जस्ट दैट कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हमारा ग्राफ जो है नीचे आया. कमर्शियल सेगमेंट में तो और नीचे आया बिकॉज बिजनेस तो जब कमर्शियल डिमांड ही कम हो गई तो फिर थ्री व्हीलर्स में ड्रॉप हुआ. लेकिन अब इट इज़ ऑन द ट्रैक विद महिंद्रा ट्रियो कमिंग इन द पिक्चर. टाटा एस की भी आपका जो छोटा आदमी जिसे बोलते हैं उसका भी इलेक्ट्रिक ड्रॉप बढ़िया लॉन्च हो चुका है. तो वो भी बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है. तो क्योंकि टाटा एस अगर हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी बात करें तो ये गाड़ियाँ बहुत यूज होती है. तो इनके इलेक्ट्रिक वर्जन आने बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ गोना पिकअप वेरी वेरी वेल. और कार्स में मैं बात करूँ तो अभी मार्केट शेयर तो मैक्सिमम टाटा नेक्सॉन का ही है. लेकिन कार्स में जिस दिन आई रियली विश मारुति इसमें जल्दी से जल्दी एंटर हो. मारुति जिस दिन लॉन्च करती है अपने इलेक्ट्रिक मॉडल आई फील कि बिकॉज मारुति रीच इतनी है और तो दैट इज गोना बी डिसाइडिंग फैक्टर. लेकिन गाड़ियों में अभी गाड़ी महंगे एंड पे ज़्यादा है. आप स्टार्ट करते हो 1 करोड़ की गाड़ी से कि भाई जैगवार आई पेस मर्सिडीज ई बेंस बेंस ई क्यू एंड मे बी आई थिंक दीज टू. देन यू ड्रॉप डाउन टेस्लास प्राइस जो आपको करीब 50-60 की पड़ेगी. बाहर भी और इंडिया में भी अगर इम्पोर्ट हो जाती है. और उसके बाद सीधा आप आते हो हुंडई कोना MGZ-EV जो आपको 25-30 लाख की पड़ेगी. और फिर नेक्स्ट आते हैं टाटा नेक्सॉन 16 लाख जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है. आई थिंक ये एक गाड़ी चाहिए हमें 8-12 लाख की सेगमेंट पर. आई थिंक दिस गोना मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई थिंक टाटा इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. जो उन्होंने नई सीरीज लॉन्च की है रिसेंटली टाटा महिंद्रा बहुत सारी कंपनीज हैं. आई थिंक मारुति भी काम कर रही होगी. मारुति डेफिनेटली आई मीन और शायद ईवी जो टू व्हीलर का मार्केट जिस हिसाब से उन्होंने रैपिड ग्रोथ की है इसी वजह से बिकॉज वैराइटीज बहुत हैं ऑप्शंस बहुत हैं बहुत सारी कंपनीज हैं. व्हिच इज योर फेवरेट बाइक? आई विल गो विद एथर. इट हैज गुड रेंज एंड इट इज गुड. तो मैं इस टाइम बाजार चेतक एंड ओला विल मीट टू वेट. तो आपको क्या लगता है कि की एक्शंस रिक्वायर्ड क्या है ईवी को आगे जाने में लाइक फॉर ए रैपिड ग्रोथ फॉर ए सस्टेनेबल ग्रोथ?